देखते हैं कि यहाँ अगर मेरा बेटा हो तो मैं क्या फील करूँगी। ये रिकॉर्ड है मेरा, मैंने आज तक ग्लिसरीन यूज़ नहीं किया रोने के सीन में। मैं बहुत जल्दी उस चीज़ के अंदर घुस जाती हूँ, तो वैसे कलाकार होते ही भावुक हैं ज़्यादा तो, लेकिन लेडीज होने के नाते ऊपर से मैं माँ माँ हूँ तो सभी बच्चों का कड़वा सवाल है। पूरा देश सुनेगा ये बात को। बिल्कुल, एक दिन पुरुष भी, आज आप पुरुषों से लगा लो, मेरे बराबर के हैं। नमस्कार, मैं अजय और आज मिली हरियाणा की माँ, माँ कहो भाभी कहो या ताई चाची का रोल अदा करती आ रही 20 साल से करीबन में हो चुका आपको। हाँ जी, लगभग 23 साल हो गए मेरे को। आपको सरोजी, ये माँ का रोल चूज क्यों किया आपने? एक्चुअली आपको पता है, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था इस लाइन में, तो फैमिली अलाउड नहीं करती। आजकल भी मुश्किल होता है लड़कियों के लिए, लेकिन उस टाइम बहुत मुश्किल था। और मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी, फैमिली प्रॉब्लम्स थी, मैं काम कर रही थी, तो काम तो कुछ और करी थी मैं, एक्चुअली रिसेप्शन पे बैठी थी मैं किसी उसमें, तो वहाँ पे उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो मेरा काम स्टार्ट हुआ। लेकिन शुरू में ही लोग क्या कहेंगे, घर वाले अलाउड करेंगे नहीं करेंगे, तो मैंने अपने दिमाग में एक बना लिया था कि मैं ऐसा काम करूं ताकि घर वालों को या किसी को बोलने का मौका ना मिले। तो मेरे को माँ के कैरेक्टर से अच्छा कुछ लग ही नहीं रहा था। अच्छा, आप शुरू से माँ का रोल अदा करते हैं, तो आपने कभी सोचा था कि मैं कभी हरियाणा में माँ का रोल अदा कर पाऊंगी? और बॉलीवुड के अंदर जो निरुपम राय होते हैं, देवेंद्र की माँ का रोल अदा करती हैं, आप उनकी तरह भी कहीं ना कहीं आज हरियाणा के सुपर स्टारों के साथ में काम कर पाएंगे और उनकी माँ का रोल अदा कर पाएंगे? नहीं, एक्चुअली पहले मैंने कभी नहीं सोचा था, पहले तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं इस लाइन में कभी काम करूँगी। मेरे को कोई शौक नहीं था, मतलब रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन किस्मत ले आती है मैं यहाँ तक। और फिर किस्मत तो सब आजमाते हैं, लोग मेहनत करते हैं, लेकिन भगवान की दया से मेरे को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और मेरे को वो चांस मिले जो शायद मुश्किल से ही मिलते हैं। यानी आप तो स्टिक बैठे माँ के रोल। हाँ, बस वो ले आया भगवान ने, मेरी उंगली पकड़ी, कहते हैं आप इस लाइन में चलो और आपको ये इज्जत मिलेगी, ये चीज़ मिलेगी, और मैं उसके साथ आ गया। तो आपने अब तक कितनी फिल्म में जो कलाकारों के साथ में काम कर चुके, और कौन कौन से कलाकार आपके साथ माँ का रोल अदा कर पाए? देखिए, फिल्में भी मैंने बहुत की हैं, दूरदर्शन पर काम किया है, सॉन्ग किए हैं मैंने लगभग 250-300 के आसपास मेरे सॉन्ग हो चुके हैं, और सब में लगभग तो माँ का ही करेक्टर होता है। अब सास का और माँ का, कभी लड़की की माँ बन गई तो कभी लड़के की माँ बन गई, ज़्यादातर यही होता है, तो सबकी माँ बनी हूँ मैं। जी, मैं माँ बनी हूँ मेहर इसकी, चेतक यार तेरा चेतक पहचाले, और अजय हुडा, सोनिका, अंजलि, मतलब प्रांजल आजकल है, मतलब सबकी माँ ही बनी हूँ मैं, लगभग सबकी माँ बनी हूँ। आजकल चला हुआ देवी गाना में मैंने आपका देखा हुआ था, आपका मेडल गाना भी देखा हुआ था, मेडल जो है गुलजार के साथ में, तो आपने उनके अंदर भी कहीं ना कहीं माँ का रोल अदा किया, तो गुलजार की उस टाइम माँ बनी या फिर क्या बने थे? मैं एक सॉन्ग में गुलजार की माँ बनी थी, बाकी में अलग अलग कैरेक्टर था। देवी सॉन्ग किया था जिसमें, मतलब लाइफ में मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी किया ही नहीं था। उसमें क्या खास बात थी? उसमें थी एक्चुअली सॉन्ग था वो, उसमें वेश्या का कैरेक्टर था जो मैं सुन के 2 दिन तक मैं सोचती रही थी मेरे को ये कैरेक्टर करना चाहिए नहीं, क्योंकि मेरी इमेज माँ की बनी हुई है। मैं उससे निकल के अगर कोई भी कैरेक्टर करूँगी तो पता नहीं क्या रिस्पॉन्स रहेगा पब्लिक का, बड़ी टेंशन थी। लेकिन जब शूट स्टार्ट हुआ था, उससे पहले गुलजार ने मेरे को खुद बैठ के समझाया, मैं कोई ऐसी चीज़ ना हो, फिर बोले कि देखो आप मेरी भी माई हो, एक्चुअल में भी माई हो मेरी, लेकिन आप कैसे सोच सकते हो भी मैं आपसे वो काम कराऊंगा जो मैं अपनी माँ से नहीं करवा सकता। तो उन्होंने मेरे को विश्वास में लिया और मैंने वो फिर। तो अब तक आप कितनी उसके अंदर और माँ का रोल अदा कर चुके? 50, 10, 20? नहीं, मैं लगभग 200-250 के आसपास तो मेरे सॉन्ग ही हैं जिनमें मैंने माँ और सास का करेक्टर किया। तो सबसे आपको बढ़िया एक्टर कौन लगा हरियाणा के अंदर, जो अपने आप को समझता है और अपनी माँ को समझता है, जो आज रियलिटी में ऐसा बेटा होना चाहिए या बेटियाँ होनी चाहिए? हाँ, रियलिटी में देखो सब अपनी अपनी जगह है, क्योंकि मेरे को तो सब इतनी इज्जत दे रहे हैं, तो मेरे लिए लगभग तो सब बराबर ही हैं। लेकिन एक कहते हैं दिल से, एक तो हाँ भाई हमारी माँ है, वो रिस्पेक्ट देना है कि बिल्कुल दिल से मानते हैं। जैसे हर्ष छिकारा है जी, हर्ष छिकारा के साथ मेरे 2-3 सॉन्ग हैं, तर्ज पुरानी और अम्मारी स्पेशल, उन्होंने अपने बर्थडे पे जैसे अपनी माँ को डेडिकेट किया था, तो उसमें मैं ही उसकी माँ बनी थी। हर्ष छिकारा के साथ भी काम? हाँ जी, मैंने हर्ष छिकारा के साथ भी की है, तर्ज पुरानी, अम्मारी, और एक आया था गम की माटी, लगभग 3 मैंने सॉन्ग किए हैं
उस समय लगभग माँ का ही करेक्टर किया। तो आपको सबसे अच्छा अगर बात की जाए तो हर्षिकारा अच्छा? हाँ, हर्षिकारा भी अच्छे हैं। मोहित शर्मा हैं जो सिंगर है, आज के दिन अच्छे उनके चल रहे हैं। वो हमेशा दिल से ही मेरे को माँ के सिवा कुछ बोलता ही नहीं है। अच्छा। वो हमेशा माँ 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 की तरह याद करता है, माँ की तरह मिस करता है। जब मैं सेट पे होती हूँ बिल्कुल माँ की तरह व्यवहार कर सकते हैं कि आज आपको उपाधि दे दी जाए तो माँ की उपाधि मिल सकती है। माँ की उपाधि मेरे को कोई इंट्रोड्यूस करवाता है यहाँ सेट पे, चाहे हमारे रामीर मेहला जी लगा लो, तो कोई भी आप वो लगा लो, अजय हुड्डा जी या कोई भी अपनी इंडस्ट्री का कोई भी अगर मेंबर मिलता है और मुझे कहीं इंट्रोड्यूस करवाता है तो वो यही कहते हैं कि हमारे हरियाणा की माँ है। तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ जो आज के दिन आप अश्लीलता देखते हैं, आप माँ का रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन आज के बच्चे जो टिकटॉक के माध्यम हो चाहे आपके यूट्यूब पर माध्यम हो एक जो सॉन्ग माध्यम हो, लेकिन वो आज के दिन अश्लीलता दिखाई जा रही है, वो अश्लीलता कितनी गलत मानते हैं आप? बहुत गलत मानती हूँ मैं तो। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा के जो आज कलाकार हैं, लेडीज कलाकार हैं, वो भी कहीं ना कहीं दिखा दिखा के काम कर, लेकिन गलत है। देखो कलाकार की कलाकारी या उसकी अदाकारी या उसका जो हुनर है वो जरूरी नहीं है अश्लीलता के माध्यम से ही बाहर आता है। मैं तो खुद से मानती हूँ, मैंने 23 साल पहले डिसीजन लिया था कि मैं सिर्फ माँ की करेक्टर करूँगी ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, मेरी फैमिली को ना हो, ऊपर से मेरे को रिस्पेक्ट मिले, लोग उस नज़र से मेरे को देखे ही नहीं कि ये तो हीरोइन है, फिर दो लोग और उल्टा सीधा मेरे बारे में सोचेंगे और बोलेंगे भी शायद, क्योंकि आगे से तभी बोलते हैं। लेकिन शुरू में ही अगर मैं माँ बन गई तो लोगों की, चाहे मेरी उम्र से बड़े लोगों की माँ बनी हूँ मैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट उनकी नज़रों में हमेशा रही फिर, क्योंकि माँ की करेक्टर करी थी। और आज तो माँ के सिवा मेरे को कोई कुछ बोलता ही नहीं है। अच्छा, आप माँ का रोल अदा किया, अपने बेटे का नाम लिया भी, मैं हर शिकार मेरे को अच्छा लगता है। और भी इंडस्ट्री सभी कलाकार अच्छे लगते हैं अच्छे। लेकिन मैम सबसे कड़वा सवाल, आपके पति के रोल में अच्छा कौन फिट लगा? पति के रोल में देखो आजकल तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, पब्लिक बोल रही है कुंडू जी के साथ हमारी हिट जो कहीं ना कहीं फुप्पे रोल भी अदा से ही करते हैं, पति का रोल भी सही, पति का रोल भी सब लोगों ने। घबराहट कब हुई इस काम के दौरान, क्या आपको लगा कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती? एक्चुअली ऐसा तो मैंने कभी कुछ करेक्टर करने की नौबत ही नहीं आई, और आई भी कई बार आई है, लेकिन मैंने एक सिरे से नकार दिया उन चीज़ों को, तो ऐसी नौबत आने नहीं दी कि मैं डिसीजन लेने में घबराऊं या कुछ, क्योंकि मेरा तो एक डिसीजन मैं जो 23 साल पहले ले चुकी भी, मेरे को इस टाइप के कोई करेक्टर करने ही नहीं है। अब पीछे भी मेरे पास आया था, कोई ऑफर आई थी तो टेलीफिल्म की थी वो जी, तो वो बोले कि माँ का ही करेक्टर तो माँ का ही था, लेकिन उन्होंने बोला कि कुछ अफेयर दिखाया था जमाई और सास का, तो बोले अच्छा बजट है, अच्छे ये हैं ना, बजट बजट कुछ भी हो मेरे को बजट से लेना देना नहीं है जी, लेकिन मैं अपनी इमेज से हटके काम, आप अपने रोल के अंदर पाना चाहते हैं शुद्धता, बिल्कुल सो होनी चाहिए। अगर कोई इंसान हमें रिस्पेक्ट ही नहीं देगा उसके ऊपर, सबसे पहले आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लेडीज़ के साथ खासकर अपनी फैमिली से ही आती है जी। अगर फैमिली ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो बाहर तो बाद में देखेंगे हम कौन क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो अगर हमारा परिवार हमारे साथ होता है ना फिर उन तकलीफों की। तो ऐसा आपकी तरह और भी महिलाएं हैं हरियाणा के अंदर भी, चाहे देश विदेश की बात की जाए, तो वो आपकी तरह कामयाब होना चाहती हैं और वे टेलीविजन के ऊपर दिखना चाहती हैं लेकिन वो उभर नहीं पाती, तो आप उनके लिए क्या दो संदेश देंगे, तो क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए मेहनत तो इंसान को करनी पड़ती है, और हम सोचें कि एक दिन में हमें कामयाबी मिले, महीने में हमने 4 प्रोजेक्ट कर लिए, 10 कर लिए, कामयाबी नहीं मिली, पता नहीं होता कौन सा प्रोजेक्ट हमें कामयाबी देके जाएगा। तो संयम, संयम बहुत ज़रूरी है। आप अपनी मेहनत करो, अपना काम करो, बाकी छोड़ दो उसके ऊपर कब कौन सा प्रोजेक्ट आएगा। और आपको अच्छा एक आपके रोल के अंदर एक ओरिजिनलिटी और देखी गई कि सुनने में आया कि आप जो अदाकारी करती हैं वो ओरिजिनलिटी करती हैं, तो आप रोने का रोल जो आपने मेडल के अंदर किया था, जो आपने बेटी के अंदर किया था, तो वो मैम क्या आप करके दिखा सकते? हाँ, जब वो सिचुएशन हमारे सामने होती है तो होता है, उसके अंदर हम खो जाते हैं तो सोच ही नहीं पाते, फिर दूसरी बात नहीं सोच पाते। और उसमें अगर हमारे सामने कोई, ये देखो अभी तो शायद थोड़ा सा वो, लेकिन जो सिचुएशन होती है, जैसे अब बेटे की लाश दिखा दी, बेटा शहीद हो गया है, वो मेरे सामने पड़ा है, तो कौन माँ ऐसी है जो उस टाइम भावुक नहीं होगी? अच्छा, अभी तो बात करती करती हो जाऊँ, यानी आप बिल्कुल रोल के अंदर घुसकर काम करती हैं? जी बिल्कुल, उस टाइम देखते हैं कि यहाँ अगर मेरा बेटा हो तो मैं क्या फील करूँगी, और ऑटोमेटिकली ये रिकॉर्ड है मेरा, मैंने आज तक ग्लिसरीन यूज़ नहीं किया रोने के सीन में। अब तो आप रोने लग गए ये कह रही हूँ ना, अगर मैं फिर क्या ये तो आप ही देख सकते हैं, मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो
होता है, मैं बहुत जल्दी उस चीज के अंदर घुस जाती हूँ, भावुक हो जाते हैं, भावुक बहुत हूँ, वैसे ही कलाकार होते ही भावुक हैं ज़्यादा तो, लेकिन लेडीज होने के नाते ऊपर से मैं माँ हूँ तो फीलिंग से भरी पड़ी हूँ, क्योंकि माँ हूँ तो सभी बच्चों का और सभी। अच्छा एक लास्ट सवाल आपसे, कड़वा भी और लास्ट भी, तो आज हरियाणा के अंदर बॉलीवुड के द्वारा सुनी जाती हैं, क्योंकि बच्चे आप भी थे, आपने भी कभी सुना होगा कि जो मर्द पुरुष प्रधान कहलाया आज भी और अभी भी कहलाता है, तो क्या आपको फिल्म इंडस्ट्री हरियाणा के अंदर भी ऐसा लगा कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं आज मर्द पुरुष प्रधान ही अभी रहते हैं? कड़वा सवाल आपके लिए, कड़वा सवाल है, पूरा देश सुनेगा ये बात को। बिल्कुल होते होता जरूर है, क्योंकि पुरुष प्रधान तो हमारे हर घर से लेके बाहर आप कहीं भी जाओगे ना, लेकिन धीरे धीरे अगर आप अपने उसमें एक कहते ना चट्टान बन के एक जगह खड़े रहोगे तो ऐसा नहीं है, एक दिन पुरुष भी, आज आप पुरुषों से लगा लो, मेरे बराबर के हैं, मेरे बराबर उसमें ही तो खड़े हैं जी जी, लेकिन पूरी रिस्पेक्ट के साथ आज शायद वो मेरे को ज़्यादा तवज्जो देते हैं खुद से। लेकिन आपको कभी महसूस हुआ है, आपको लगता है? महसूस तो कई बार हुआ है। तो अपने आपकी कहीं ना पुलिस इस हरियाणा इंडस्ट्री के अंदर भी अपनी अपनी सहूलियत या अपने आप को दबदबा दिखाना चाहता है, ऐसा है? ये भगवान की मेहर रही है, थोड़ी बहुत देखो 19-20 तो होती है हर जगह पे, लेकिन ऐसा मेरे साथ कभी, सब कहते हैं हमने ये किया, हमने पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है इस फील्ड में, लेकिन मैं कहती हूँ मैं बहुत लक्की हूँ, मेरे को सबका साथ मिला है और सबका प्यार मिला है, मेरे से कोई अनजान रहा ही नहीं है, मेरे को करते हैं भाई, मेरा मान सम्मान करते हैं, और ऐसी सिचुएशन जो लेडीज़ के सामने बहुत तरह की प्रॉब्लम आती हैं इस लाइन में, खासकर बोलते हैं ये लाइन बदनाम तो सभी डिपार्टमेंट है, इसको तो वैसे ही लोग कर रहे हैं। अच्छा आज के दिन हरियाणा के लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए क्या ये हरियाणा प्लेटफॉर्म बिल्कुल फिट फॉर रहता है? बिल्कुल, बिल्कुल कामयाबी है। हाँ कामयाबी है, आज हम देख ही रहे हैं दूर दूर तक, मैं झांसी किसी प्रोग्राम में गई थी जहाँ चीफ गेस्ट थी, वहाँ स्टेशन पर हमारे हरियाणवी सॉन्ग बज रहे हैं, आप बाहर जाओ ISBT मतलब कहीं भी तो चले जाओ हमारे हरियाणवी सॉन्ग बज रहे होते हैं, तो सोच के और सुन के गर्व होता है, और बहुत सुधार आया है, पहले हम भी डरते थे काम करते हुए और अब इंजॉय कर रहे हैं उस काम को।